सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्रों, यह वीडियो संस्कृत संभाषण के हेतु बनाई जा रही हैं। हम लेखन कार्य भी सीख रहे हैं वीडियोज के माध्यम से, कक्षाएं चलाई हुई हैं और अब काफ़ी वीडियोज हो चुकी हैं और आगे भी निरंतर वो लेखन लिख करके सीखना भी जारी है, परंतु उसके साथ में स्पोकन संस्कृत स्पोकन भी सीखना है। उसके लिए काफ़ी मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं और भी निरंतर बना रहा हूँ। तो मित्रों, आज मैं एक छोटी सी पुस्तक है, आप देख पा रहे होंगे, संस्कृतम वदतु। यह छोटी सी पुस्तक, ये संस्कृत भारती जो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करती है संपूर्ण संसार में, उनके द्वारा प्रकाशित है। आप वहां से भी खरीद सकते हैं, परंतु जहां तक मुझे लगता है इसको खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जो भी कुछ इसमें आपके लिए उपयोगी सामग्री है वह मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, राइट। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको संस्कृत सीखना है तो अभी हिंदी बोलना पड़ेगा। आप अभी इतना आपका स्तर नहीं हुआ है कि आप संस्कृत टू संस्कृत समझ लें, मुझे पता है। मेरी वीडियो से अधिक लोग लाभान्वित हों वह मेरा प्रयास रहता है। तो इसमें छोटे छोटे वाक्य दिए हैं, जब हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम कैसे उसको अभिवादन आदि करें संस्कृत के माध्यम से, और कोई हमसे मिलता है, कोई हमें अभिवादन करता है तो हम उसको रिप्लाई कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसकी कई वीडियो बनेंगी और ये संपूर्ण पुस्तक, इसमें काफ़ी वाक्य हैं, हो सकता है इसमें लगभग 200-300 वाक्य होंगे, सब आपको यहाँ पर दिखेगा जो मैं बोलूँगा। तो आइए मैं अब इसका आरंभ करता हूँ। संस्कृतम वदतु, देखते जाइए सब दिखेगा आपको। संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए। कोई व्यक्ति से आप कहना चाहते हैं भाई संस्कृत बोलो, तो आप उसको कहें संस्कृतम वदतु। किम संस्कृतम वदतु, आप संस्कृत बोलिए। संस्कृतम वदतु का अर्थ है आप संस्कृत बोलिए। तो बोलिए मेरे पीछे, संस्कृतम वदतु, संस्कृतम वदतु। अग्रे, जब हम कभी किसी से मिलते हैं अथवा प्रतिदिन अपने बड़े जो भी घर में हैं उनसे हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमें अभिवादन करना चाहिए। तो उस अभिवादन के लिए हमारे पास में शब्द हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से बताए गए हैं। सबसे पहले हम किसी से मिलें तो हमें क्या कहना चाहिए, नमस्ते। क्या बोलना चाहिए, नमस्ते। तो नमस्ते का उच्चारण करना चाहिए। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमस्ते, नमस्ते। कभी क्या होता है, हम किसी का धन्यवाद जाहिर करना चाहते हैं तो संस्कृत में उसको क्या बोल लेंगे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। किसी ने मेरा कार्य कर दिया, धन्यवाद। किसी ने मेरी हेल्प कर दी, धन्यवाद। समीचीन। आगे, जब कोई व्यक्ति धन्यवाद करता है फिर हमें उसका रिप्लाई क्या करना है, स्वागतम, स्वागतम। जैसे कोई हमको बोलता है थैंक्स तो बोले वेलकम, राइट। तो वैसे ही हम, कोई हमारा धन्यवाद करता है तो फिर हमें उसको क्या बोलना है, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। अभी हमसे गलती हो जाती है फिर हम उससे माफी मांगना चाहते हैं तो संस्कृत में माफी कैसे मांगेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, सॉरी। तो संस्कृत में बोलते हैं
क्षम्यताम 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 क्षम्यताम। कभी हम बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, तो उसके लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, बोलिएगा चिंता मास्तु। और हिंदी में हम बोलते हैं कृपया, इंग्लिश में प्लीज, तो जो कृपया है वो संस्कृत का ही है ये। तो हम कभी किसी से कहेंगे कृपया प्लीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे संस्कृत में कृपया 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 कृपया, आपको कृपया बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं कृपया, कृपया नहीं है कृपया कृपया। अब फिर हम कभी किसी से मिलते हैं फिर चलते हैं, तो वहां से आगे वापस जाना है या कहीं जाना है उससे हम दूर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पुनः मिलामः पुनः मिलामः पुनः मिलामः, माने फिर मिलेंगे, पुनः मिलामः पुनः मिलामः। फिर हमने जिसको बोला या हमें किसी ने बोला भाई पुनः मिलामः, तो हम क्या बोलेंगे, अस्तु अस्तु अस्तु, माने ठीक है हाँ जी अस्तु 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 अस्तु, बहुत बार आपने सुना होगा अस्तु। अब हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में सर, तो हम संस्कृत में क्या बोलेंगे उनको, हम बोलेंगे श्रीमन श्रीमन श्रीमन, अथवा बोलेंगे मान्यवर मान्यवर मान्यवर। और यदि कोई स्त्री है फीमेल है तो उनको बोलेंगे मान्य 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 मीन्स मैडम मैडम, तो हम संस्कृत में बोलेंगे मान्य माने श्रीमती जी। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो उसके लिए संस्कृत में क्या बोलना है आपको, उत्तमम उत्तमम उत्तमम। कोई अच्छा कार्य कर दिया तो हम क्या बोलेंगे उसको शाबाशी के लिए, उत्तमम उत्तमम। शोभनम शोभनम शोभनम, बच्चा हमारा है वो अच्छी तरह पढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उत्तमम उत्तमम उत्तमम। शोभनम शोभनम शोभनम, समीचीनम अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, अने एक्सीलेंट बोलते हैं एक्सीलेंट, तो हम उसको बोलेंगे बहु उत्तमम बहु उत्तमम बहु उत्तमम। पुरुष है उसको पूछने के लिए जब हम बोलते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तब हम बोलेंगे भवतः नाम किम भवतः नाम किम। और यदि कोई फीमेल है कोई स्त्री है हम उनको पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या है, तो संस्कृत में इसको ऐसे बोलेंगे भवत्याह नाम किम भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है श्रीमती जी आपका नाम क्या है। अब वो बोलेगी या बोलेगा दोनों के लिए समान है, इसमें बोलेगा मम नाम, आगे अपना जो नाम है ऐसे मम नाम आचार्य श्रवण कुमार, मेरा नाम आचार्य श्रवण कुमार है, मम नाम आचार्य श्रवण कुमार। अब आप भी ऐसे ही जोड़िएगा मम नाम भरत, ऐसे आपको बोलना है माने मेरा नाम मम नाम मम नाम, जो भी आपका नाम है उसको लगा दिए पीछे। अब कहते हैं किसी को कोई हमारा मित्र है और हम तीसरे व्यक्ति को बताते हैं कि भाई ये हमारा मित्र है, तब हम बोलेंगे ए शाह मम मित्रम श्रवण कुमार, ए शाह मम मित्रम श्रवण कुमार, ए शाह मम मित्रम रामचंद्र, यह मेरा मित्र रामचंद्र है, ऐसे बोलेंगे इसको। तो आप किसी को बताते हैं यह मेरा मित्र रामचंद्र है, डॉक्टर शिवराम है, जो भी है, तो आपको बोलना है ए शाह मम मित्रम रामचंद्र।
यदि कोई स्त्री है और उसकी कोई फ्रेंड है तो संस्कृत में उसको बोलते हैं एषा मम सखी, एषा मम सखी, या मेरी मित्र है। अब जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो इसके लिए पुल्लिंग, जब कोई पुरुष को पूछेंगे, कोई बॉय है तो उसको पूछेंगे तो कहेंगे भवान कस्याम कक्षायाम पठति, भवान कस्याम कक्षायाम पठति, माने आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। और यदि कोई लड़की है उसको पूछ रहे हैं हम, तो हम कहेंगे भवती कस्याम कक्षायाम पठति, भवती कस्याम कक्षायाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, तो वहां भवती लगेगा। तो अब उत्तर, उत्तर जब देंगे चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए समान उत्तर है। अब वो कहेगा या कहेगी अहम पंचम कक्षायाम पठामी, अहम पंचम कक्षायाम पठामी, मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूं अथवा पढ़ती हूं, दोनों के लिए अहम पंचम कक्षायाम पठामी, समीचीन। तो मित्रों आज की वीडियो में हम इतने वाक्यों का अभ्यास करते हैं, समीचीनम, अभ्यासम कुरु, अभ्यासम कुरु, पुनः अग्रे अस्माभिः संस्कृत संभाषणम निरंतरेण कर्तव्यम अस्ति, केवलम संस्कृत संभाषणम, इदानीम तो हिंदी माध्यमेन अहम एवं प्रशिक्षणम ददामि, परम अग्रे अस्माकम् उद्देश्यम किम अस्ति खलु, संस्कृतेन संस्कृतस्य प्रचारः भवेत्, समीचीनम्। भवन्तः सर्वे स्वस्वगृहेषु परस्परं संस्कृतं संभाषमाणाः स्युः, आंग्लभाषामपि वदन्तु, तत्र अस्माकं तत्र एवं बाध्यता नास्ति, परम अस्माकं देवभाषायाः अपि व्यवहारः गृहेषु भवेत्, तदपि कर्तव्यम्। अहम् अतीव सरलतया प्रशिक्षणम् अत्र करोमि, सरलतया यावत् भवितुं तावत् सरलतया कर्तुं प्रयते, समीचीनम्। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः, शीघ्रं पुनर्मिलामः, ओम।